इमाम मूसा काज़म अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, ऐ नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लीम, मेरी जिंदगी में बे इंतहा परेशानियां और मुसीबतें हैं और मेरे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। कोई ऐसा अमल दुआ बताएं जिससे अल्लाह मुझे और मेरे घर को अपनी अमान में रखे। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम मूसा काज़म अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर अल्लाह की अमान में रहे, हर मुसीबत परेशानियां बीमारियां तुमसे दूर रहे, तो मगरब के वक्त खाना काबा की तरफ मुंह करके 27 मरतबा सूरह फातिहा, 27 मरतबा सूरह नास और फलक और 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह को उसके महबूब हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लीम और उनकी आल का वास्ता देकर दुआ मांगो, अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां बीमारियां और हर मुसीबत दूर रहेगी।